अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, यह अर्सेलिक वर्ल्ड मैप क्लॉक है जो कि हमने डिकोर एंड मोर से जो है ऑर्डर की थी। तो देखते हैं कि इसको वॉल पे हम कैसे प्लेस कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चलो इस देखते हैं। ये इन्होंने गाइडलाइन दी हुई है कि भाई कौन सा आइटम जो है वो किस जगह किस तरह प्लेस होगा, तो इससे काफ़ी जो है आपको हेल्प आउट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन गाइड है ये सारी, और दूसरा भी इसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह भी इन्होंने दी हुई हैं सारी, जो जो एप्लीकेबल हैं, तो आप इसको रीड करके जो है अप्लाई करते जाएं। क्लॉक का डायल है, ये नीडल्स हैं क्लॉक की, इन्होंने ऊपर ही जो है अटैच की ताकि ख़राब ना हो। ये थोड़ी बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि बहुत नाजुक होती है, तो ये जो है ठीक कर लेंगे हम। ये क्लॉक है जो हमने यहाँ इस डायल में जो है लगानी होगी, और ये होल्डर है क्लॉक का। तो बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप अपने रूम का सेंटर जो है वो फाइंड आउट कर लें और फिर उस हिसाब से जो है बाकी आइटम से जो आप सेटिंग करते जाएँ। तो आप हम इसको पहले ज़मीन पर तैयार करेंगे, फिर उसके बाद जो है एक एक आइटम को जो है हम दीवार पर लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये क्लॉक डायल जो है ये इसको सेटअप करते हैं। ये नट है इसका, ये आप यूँ लगा देंगे नट खोल के, ये आप देख लें। इसको टाइट करना पड़ेगा, एहतियात से करना पड़ेगा ताकि डायल पे कोई निशान वगैरह ना आए। यहाँ से आप पीछे देख लें कि बिल्कुल सीधी लगे दीवार पे, तकरीबन हो गई है। हम थोड़ा सा और टाइट कर देते हैं। ये आप देख लें, ये हमने ज़मीन पे इस पहले सेटिंग कर ली है। क्लॉक के हिसाब से हमारी क्लॉक जो है ये सेंटर में आ गई है। अलाइनमेंट इसकी थोड़ी सेट करेंगे, और ये बाकी इसके पीसेज हैं मैप के, तो वो हमने ज़मीन पे अपने लिए सेट कर लिए हैं, और अब ऐसा ऐसा डबल टेप के साथ जाओ चिपकाते रहेंगे।
ओके गाइस, वी आर रेडी टू गो। तो आप चलें जी, आप देख सकते हैं ये जी रेडी हो चुका है। आई थ्री वन